everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि हम कर रहे हैं class 12th commerce का max 2 का chapter number 1 commission brokerage and discount. तो हमारा lecture number 1 already हो चुका है जिसमें हमने basic concepts and exercise 1.1 के दो questions कर लिए थे. आज हम लोग question number 3 से question number 8 तक पूरा solve करने वाले हैं. तो I hope आप सब ready हो. तो चलो start करते हैं फटाफट. अगर आपने lecture number 1 नहीं देखा है तो उसके link मैं आपको description में provide कर रही हूँ. पहले वो वाला यानी कि lecture number 1 जरूर देख लेना, उसके बाद आप ये वाला lecture यानी कि lecture number 2 देखना. ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं फटाफट हम लोग. तो आप कोशिश करो कि ये question जो है वो आप खुद भी अपने मन में read करो, क्योंकि मैं तो read करती हूँ लेकिन आपको भी रीड करना चाहिए. ठीक है, तो और ज्यादा समझेगा आपको. तो यहाँ पे देखो क्या दिया है. मिस सरस्वती वाज पेड ₹88,000 एज अ कमीशन ऑन अ सेल्स ऑफ कंप्यूटर्स एट अ रेट ऑफ 12.5%. इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वाज ₹32,000, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल. यानी कि यहाँ पे देखना, मिस सरस्वती जो है उसको टोटल कमीशन जो मिला है, टोटल कमीशन जो मिला है वो कितना मिला है, दैट इज 88,000. और जो सरस्वती है ना वो कितने रेट से अपना कमीशन चार्ज करती है, दैट इज जो रेट है उसका यानी कि जिसको बोलेंगे हम रेट ऑफ कमीशन, वो कितना है, 12.5% है. ठीक है, और जो प्राइस है एक कंप्यूटर का, ईच मतलब क्या होता है, एक कंप्यूटर, तो ईच कंप्यूटर यानी कि एक एक कंप्यूटर का जो प्राइस है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू ₹32,000. तो हमको ये फाइंड करना है कि सरस्वती ने कितने कंप्यूटर सेल किए, मतलब कितने कंप्यूटर उसने सेल किए ताकि उसका जो टोटल कमीशन जो बना वो कितना बना, 88,000 का बना. यानी कि टोटल इनकम उसका जो हुआ कमीशन के थ्रू वो 88,000 का हुआ. तो उसने कितने कंप्यूटर बेचे, तो कितने कंप्यूटर बेचे अगर ये फाइंड करना है, दैट इज हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो सरस्वती ने बेचे. तो उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ. नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सरस्वती सेल इज गिवन बाय, व्हाट इज द फॉर्मूला, आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल कमीशन होगा सरस्वती का उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, कमीशन ऑन ईच कंप्यूटर. ठीक है, टोटल देखो फॉर्मूला मैं क्रिएट कर रही हूँ आपके लिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. और ये फॉर्मूला कैसे आया मैं बताती हूँ, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, देखो नंबर ऑफ कंप्यूटर इज गिवन बाय यानी कि नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने बेचे गए, दैट इज गिवन बाय टोटल कमीशन ऑफ सरस्वती अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा कमीशन ऑन ईच कंप्यूटर. मतलब हर एक एक कंप्यूटर में कितना कमीशन मिल रहा है, हर एक एक कंप्यूटर में कितना कमीशन मिल रहा है वो. तो टोटल कमीशन हमारे पास ऑलरेडी है 88,000, हमको सिर्फ फाइंड करना है कमीशन ऑन ईच कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के ऊपर कितना कमीशन मिलेगा. तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो तो बहुत इजी है. ईच कंप्यूटर का दाम है 32,000, तो हम क्या करेंगे, इसका 32,000 का कितना निकालेंगे, 12.5% निकालेंगे, क्योंकि सरस्वती कितना चार्ज करती है, उसका रेट क्या है, 12.5% है. तो 32,000 का 12.5% जितना भी आने वाला है ये आंसर, वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा, वो हो जाएगा कमीशन ऑन ईच कंप्यूटर. फिर हम ये दोनों को डिवाइड कर देंगे और हमको नंबर ऑफ कंप्यूटर पता चल जाएगा. ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ समझ में आ गया आपको. ओके जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल देखना, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको अगर एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि मान लो कि है ना, मेरे को जो टोटल कमीशन आया है, टोटल कमीशन जो आया है वो आया है मुझे मान लो 50,000. ठीक है, और एक कंप्यूटर जो एक कंप्यूटर के पीछे मुझे कितना मिलता है, पता है 5,000 मिलता है. कितना मिलता है, 5,000 मिलता है. तो बताओ मैंने कितने कंप्यूटर सेल करवाने में मदद किया, तो यानी कि टोटल मैंने कितने कंप्यूटर सेल किया. देखो टोटल कमीशन मुझे आया है 50,000 टोटल कमीशन, ओके सारे कंप्यूटर्स का, और एक कंप्यूटर के पीछे मुझे कितना मिलता है, दैट इज 5,000. तो जब दोनों को डिवाइड करोगे, तो दोनों को जब डिवाइड करोगे तो 5 1 5 10, यानी कि आंसर क्या आया, 10, यानी कि 10 कंप्यूटर सेल हुए हैं. ठीक है, क्योंकि 10 कंप्यूटर्स का जो टोटल कमीशन होगा वो कितना होगा, 50,000 होगा. एक कंप्यूटर के पीछे मुझे मिल रहा है 5,000, तो 10 कंप्यूटर के पीछे कितना मिल जाएगा, 10 × 5,000, दैट इज 50,000. तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और हमको नंबर ऑफ कंप्यूटर मिल जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे लिखने का क्राइटेरिया यानी कि लिखते कैसे, वो तो आपको पता ही होगा. टोटल कमीशन है हमारे पास 88,000, रेट ऑफ कमीशन जो है सरस्वती का वो है 12.5%, प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर हमारे पास है 32,000, और अभी हम लोग निकालेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग निकालेंगे कमीशन ऑन ईच कंप्यूटर. ठीक है, ये हमको चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला में यूज होता है. तो कमीशन ऑन ईच कंप्यूटर, कमीशन ऑन ईच कंप्यूटर कैसे निकालेंगे, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 12.5% ऑफ 32,000. एक कंप्यूटर का प्राइस है 32,000, तो कमीशन कितना मिलेगा एक कंप्यूटर के पीछे, दैट इज 12.5 अपॉन 100
इनटू क्या हो जाएगा 32,000, ठीक है। तो ये दो जीरो चला गया, यहां से एक जीरो है, वो एक जीरो हम पहले ही लिख देते हैं, और बस अभी हमको 12.5 इनटू 32 करना है। तो 12.5 इनटू 32 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10, 2 2 4 5 और ये 2, ओके 0, 3 5 हो जाएगा 15, फिर 3 2 6 एंड +1 7, 3 1 3, ओके। तो यहाँ पे 0 0 1 7 8 9 10 हो गया और यहाँ पे आ गया ये 4, अब पॉइंट इधर आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 400 आंसर आया। तो यहाँ पे लिख देंगे 400, और ये जीरो कहाँ से था, ये जीरो ऑलरेडी था, वो हमने यहाँ पे लिखा था, यानी कि 4000 आया। तो एक कंप्यूटर के पीछे जो है वो सरस्वती को कितना मिल रहा है, 4000 रुपए मिल रहा है। तो देयरफॉर हमारा जो फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ कंप्यूटर, देखो कैसे होता है फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, नंबर ऑफ कंप्यूटर सरस्वती, सरस्वती का स्पेलिंग क्या है भाई, SARAS, ओके SARAS सरस्वती, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर सरस्वती सेल इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला होगा जल्दी से रिपीट करो, दैट इज इक्वल टू टोटल कमीशन, टोटल कमीशन अपॉन क्या करेंगे, अपॉन हम लोग डिवाइड क्या करेंगे, दैट इज कमीशन ऑन ईच कंप्यूटर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कमीशन ऑन ईच कंप्यूटर, ठीक है। तो चलो फटाफट डिवाइड करो, अभी आप साथ साथ में, ऐसे तो नहीं है ना कि आप बुक पेन लेके नहीं बैठे हो, आपको बुक पेन लेके बैठना है। तो टोटल कमीशन जो है वो है हमारे पास 88,000 एंड ईच कमीशन के ऊपर, सॉरी ईच कंप्यूटर के ऊपर जो कमीशन मिल रहा है वो इतना मिल रहा है, 00 कैंसिल हो गए और यहाँ पे आ जाएगा ये 22, यानी कि 22 कंप्यूटर्स, यानी कि सरस्वती ने कितने कंप्यूटर्स बेचे, दैट इज 22 कंप्यूटर्स बेचे, और उसको कितना मिला, उसको टोटल कमीशन जो मिला है वो मिला है 88,000, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी इजी पीजी क्वेश्चन, ओके। अगर आपको देखना है कि ये राइट है कि नहीं तो देखो, एक कंप्यूटर के पीछे मिल रहा है, एक कंप्यूटर के पीछे कितना मिल रहा है, एक कंप्यूटर के पीछे मिल रहा है कमीशन, दैट इज 4000, तो 22 कंप्यूटर्स के ऊपर कितना मिलेगा, तो इंटू 22 करो, तो आंसर कितना आ रहा है, 88,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यही दिया था, है ना, याद है ना, ठीक है चलो। तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ही राइट है, आई होप आप लोग साथ साथ में नोट भी कर रहे हो। तो चलो अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, बड़ा इंटरेस्टिंग है फोर्थ वन, क्या दिया है देखो, अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हर प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल्स ओवर ₹20,000। इफ अ टोटल कमीशन अमाउंट्स टू ₹3,400, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया है कि जो अनीता है ना उसको कितना मिलता है, 6.5% कमीशन मिलता है ऑन टोटल सेल्स, जितना भी सेल्स वो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना उसको दो टाइप के उसके कमीशन है, एक तो क्या हो गया, एक फर्स्ट जो हो गया वो क्या हो गया कि उसको क्या मिलता है, 6.5% मिलता है कमीशन, 6.5% का कमीशन मिलता है ऑन टोटल सेल, जितना भी वो सेल करवाती है उसको उसका 6.5% मिलता है, ठीक है। फिर सेकेंड क्या मिलता है, उसको बोनस भी मिलता है। तो यहाँ पे क्या दिया, सेकेंड क्या दिया है कि प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल्स ओवर ₹20,000, यानी कि सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड क्या है कि उसको क्या मिलता है, बोनस मिलता है। कितना बोनस मिलता है, 0.5% का बोनस मिलता है, बट ये किसके ऊपर मिलता है, तो ये मिलता है ऑन सेल्स ओवर 50,000, सॉरी ऑन सेल्स ओवर 20,000, मतलब 20,000 के ऊपर अगर जो भी सेल हुआ है उसका उसको 0.5% मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि ये जो अनीता है, इसकी टोटल सेविंग जो है, सॉरी टोटल सेल्स जो ये करवाती है, टोटल सेल्स जो इसने किया है वो 50,000 का किया है। कितना किया है, 50,000 का किया है, तो ये पूरा 50,000 के ऊपर उसको कितना मिलेगा, दैट इज 6.5% मिलेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन जो भी सेल वो ओवर 20,000 करा रही है, तो मतलब ओवर 20,000 मतलब 20,000 के ऊपर का, तो यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उसने टोटल सेल तो कराया है 50,000 का, तो सेल्स ओवर 20,000 कितने हो गए बताओ, तो 50,000 में से आप 20,000 निकाल दो, यानी कि 30,000 बच गए। तो यानी कि ये जो सेल्स ओवर 20,000 है, 20,000 से ऊपर का जितना भी सेल्स है उसका वो 0.5% लेती है एज अ बोनस, ठीक है, समझ में आया। और अभी यहाँ पे क्या बोला कि उसका जो टोटल कमीशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, दैट इज 3400, मतलब उसका टोटल कमीशन ऑलरेडी आ गया है उसके हाथ में, उसका टोटल कमीशन आ गया है, टोटल कमीशन जो उसको मिला, मतलब इसका और इसका दोनों का, ये दोनों का जो उसको टोटल कमीशन मिला है वो कितना मिल गया है, दैट इज इक्वल टू 3400। तो हमको क्या फाइंड करना है कि कितना सेल्स उसने कराया है, तो कितना सेल्स कराया है वो हमको फाइंड करना है। तो जब भी ऐसे सेल्स अगर आपको फाइंड करना है ना, तो उसको आपको लेट लेना पड़ेगा, कि लेट ले लेते हैं कि जो अनीता है ना उसने टोटल सेल जो करवाया है ना, मान लेते हैं कि वो रुपीस एक्स का कराया है, तो सबसे पहला टाइप का जो कमीशन होगा, तो देयरफॉर
अभी हम लोग निकालेंगे ये वाला फर्स्ट टाइप का कमीशन, फिर सेकंड टाइप का कमीशन निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, तो ये एडिशन किसके इक्वल होगा, दैट इज 3400 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इसका टोटल कमीशन जो बन रहा है दोनों को मिला के वो इतना बन रहा है। तो पहले ये वाला निकालते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कमीशन ऑन टोटल सेल। तो कमीशन ऑन टोटल सेल हमने पहले ही ले लिया, टोटल सेल क्या किया है उसने, टोटल सेलिंग कितनी करवाई है, रुपीस एक्स की, और ये एक्स फाइंड करना है। तो कमीशन ऑन टोटल सेल वो कितना कितना मिलता है उसको, दैट इज 6.5% ऑफ एक्स। एक्स क्यू, क्योंकि टोटल सेल एक्स है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे 6.5/100 और ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे हम लोग रुपीज लिख देंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, रुपीज लिखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया उसको टोटल सेल के ऊपर इतना कमीशन मिलता है, थोड़ा अजीब वैल्यू है बट ठीक है चलेगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन। अभी हम लोग फाइंड करेंगे बोनस वाला, ठीक है। तो अभी ये बोनस जो मिल रहा है उसको 0.5% का, वो टोटल सेल्स पे नहीं मिल रहा है, वो किस पे मिल रहा है, सेल्स ओवर 20,000। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सेल्स ओवर 20,000 कितना हुआ है। तो अभी हम लोग लिखेंगे ऐसे, सेल्स ओवर 20,000। तो सेल्स ओवर 20,000 कितना होगा बताओ। देखो टोटल सेल है उसका एक्स रुपीज, तो सेल्स ओवर 20,000 कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू एक्स में से हम क्या करेंगे 20,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। एक्स में से हम क्या करेंगे 20,000 माइनस कर देंगे, तो ये जो आंसर है वो है सेल्स ओवर 20,000, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना 50,000 का टोटल सेल करवाया है, तो सेल्स ओवर 20,000 हमारा कितना आया था, तो हमने क्या किया 50,000 में से हमने क्या किया 20,000 माइनस कर दिए, तो बचेगी कितने 30,000। तो ये हो गए सेल्स ओवर 20,000। तो वैसे ही टोटल सेल्स हुआ है एक्स, तो सेल्स ओवर 20,000 कितना हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 20,000। तो ये रुपीस क्या है, सेल्स ओवर 20,000। अब इसके ऊपर कितना मिलने वाला है, इसके ऊपर बोनस मिलने वाला है कितना, 0.5%। तो अभी हम लोग निकालेंगे, दैट इज देयरफॉर अभी हम लोग बोनस निकालेंगे, तो बोनस इज इक्वल टू 0.5%, 0.5% ऑफ सेल्स ओवर 20,000, एंड सेल्स ओवर 20,000 है, दैट इज एक्स माइनस 20,000। और ये ब्रैकेट में लिखना इतना जरूरी है जितना हमारा सांस लेना जरूरी है, ठीक है, ब्रैकेट में जरूर लिख देना। और अभी हम लोग इसको फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हमको बोनस मिलेगा, तो बोनस इज इक्वल टू 0.5%। परसेंट मतलब क्या, डिवाइड में 100 होना, तो परसेंट को हम लोग लिखेंगे 1/100, ठीक है। ये परसेंट मतलब क्या, डिवाइड में 100 होना, तो परसेंटेज को लिख दिया 1/100 इनटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 20,000, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये 2 × 100 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आने वाला है हमारा 1/200 इनटू एक्स माइनस 20,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा हमारा बोनस, ठीक है, ये हमारा बोनस हो जाएगा। तो अजीब लग रहा है आपको बोनस, बट कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू। और अभी हम लोग बोलेंगे कि अनीता का, अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अनीतास, अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अनीतास का जो टोटल कमीशन है, टोटल कमीशन उसको कितना मिला है, टोटल कमीशन उसको मिला है दोनों का, दैट इज इक्वल टू रुपीज 3400। सो देयरफॉर अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसे क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होगा, जो टोटल कमीशन उसको मिला है, मतलब उसका जो टोटल कमीशन हुआ है वो दो चीजों से हुआ है। कैसे हुआ है, दैट इज इक्वल टू कमीशन, पहला हो गया कमीशन ऑन टोटल सेल, कमीशन ऑन टोटल सेल प्लस क्या, बोनस, बोनस ऑन सेल्स ओवर 20,000। तो हमारा कमीशन ऑन टोटल सेल्स जो आंसर आया था वो इक्वेशन नंबर 1 में था, कितना है हमारे पास, दैट इज 6.5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से लिखना, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, 6.5/100x, ठीक है। बोनस जो हमारा आया है, बोनस है दैट इज 1/200 और ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 20,000, ये हमारा बोनस है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कमीशन जो है दैट इज 3400। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बता दो। देखो इसको मैंने ऐसे लिखा है, ये बीच का इनटू साइन मैंने हटा दिया, चलेगा ना, बाकी ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बस इसको आपको सॉल्व करना है, जब आपने इसको सॉल्व कर दिया तो बस आपकी लाइफ सेट है। तो चलो हम लोग 3400 लिखते हैं, इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहने दो, 6.5/100x। अभी सबसे पहला काम करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे तो 1 × x हो जाएगा x, तो x अपॉन 200 हो गया, एंड माइनस यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 × 20,000, तो 20,000 ही होगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 200, ठीक है। तो ये दो जीरो गया, यहाँ पे 2 1 हो गया और ये 200 हो गया। अब ये माइनस 100 इधर जाएगा, क्योंकि नंबर नंबर को बाजू में ले रहे, तो ये नंबर है और ये भी नंबर है, तो इनको बाजू में लो, ये एक्स एक्स वाले टर्म बाजू में लिए, मतलब ये इधर ही रहेगी, तो ये माइनस 100 इधर आ गया, तो प्लस 100 हो गया, तो यानी कि
3400 में अगर आप 100 प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 3500, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे अभी ये दोनों है, तो यहाँ पे देखो इनका डिनोमिनेटर हम लोग सेम करेंगे, ठीक है। तो सेम करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। हम क्या करेंगे, डिवाइड में 100 है, हम क्या करेंगे इंटू टू करेंगे, क्यों, क्योंकि ताकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 200 है ना, तो यहाँ पे 100 इंटू टू 200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया 200। अब 6.5 इंटू टू करो, 6.5 का डबल होता है हमारा आई थिंक 13, तो ये हो गया 13x और प्लस यहाँ पे क्या था, ये एक्स ही हो गया, ओके। तो बस हो गया, अभी यहाँ पे ये उसको भेज दो यहाँ पे, तो 3500 इंटू 200 एंड दैट इज इक्वल टू 13x प्लस x हो गया 14x, ठीक है। अभी चलो करते हैं मल्टीप्लाई, तो 35 इंटू 2 हो जाए, पहले तो दो, ये कितने जीरो, 1, 2, 3, 4 एंड 35 इंटू 2 करोगे तो कितना मिलेगा, 70, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 14x। अब ये 14 डिवाइड में आ जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, मतलब कि ये कितना, यूनिट 10, 100, 1000, 10, 7 लाख है, तो यहाँ पे सॉरी ये 14 डिवाइड में आ गया इज इक्वल टू x, तो यानी कि 14 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके रुको एक मिनट, 7 से पहले डिवाइड करती हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 2 14 एंड 7 1 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अभी 2 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 5 10, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 यानी कि 50,000, तो therefore यहाँ पे आ जाएगा आंसर x इज इक्वल टू ₹50,000, यानी कि जो टोटल सेल जो करवाया है वो कितने का करवाया है, दैट इज 50,000। तो अनीना बोल रही थी, अनीता ने जो टोटल सेल करवाया है दैट इज 50,000 का, ओके। मैंने एग्जाम्पल भी आई थिंक 50,000 का लिया था, बट मुझे ये पता नहीं था, एक्चुअली मैंने रेंडमली लिया था, तो बस लास्ट में लिख देना टोटल सेल मेड बाय अनीता इज ₹50,000, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, ठीक है, लिख लोगे तो समझ में आ गया यहाँ पे। आई होप आपको इजी लगा होगा ये सम। अगर कोई सम नहीं समझ में आता है, प्लीज आप एक बार पीछे जाके फिर से देखने का, ठीक है, फिर से देखने का। चलो अब आते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में, क्या दिया है, प्रिया गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ एंड अ कमीशन एट 8% ऑन द सेल्स ओवर 50,000। इफ शी गेट्स ₹17,400 इन अ सर्टन मंथ, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। यानी कि अभी यहाँ पे अच्छे से समझना, देखो एक होता है, देखो एक हमारा इनकम, एक इनकम होता है और एक सैलरी होता है। सैलरी मतलब क्या, सैलरी जो होता है ना वो फिक्स होता है कि आप काम कर रहे हो और उस काम का आपको पैसा मिल रहा है, तो वो हमारा फिक्स होता है, सैलरी हमारा हमेशा फिक्स होता है। बट इनकम क्या होता है, इनकम इज टोटल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम का फॉर्मूला देखो, इनकम का फॉर्मूला होता है जो सैलरी, सैलरी मतलब जो फिक्स होता ही है, प्लस उसके साथ अगर कुछ आप साइड बाई कर रहे हो, यानी कि जो कमीशन आपको मिलता है, जो कमीशन वगैरह जो होता है, बोनस वगैरह होता है दैट, ठीक है। एक सैलरी तो वो फिक्स रहता ही है, आप काम कर रहे हो उसका सैलरी आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो तो फिक्स है। बट इनकम और सैलरी में बड़ा डिफरेंस है। इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है, सैलरी प्लस कमीशन या बोनस जो भी होगा वो, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के, दो या दो से ज्यादा आपके अलग अलग सोर्स होते हैं इनकम के, तो इनको ऐड करोगे तब आपको एक इनकम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिया का हाल कुछ ऐसा ही है। प्रिया जो है वो देखो उसका क्या है, 15,000 महीने का पगार तो भाई फिक्स है, ठीक है, गेट्स अ सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। तो यानी कि देखो उसका जो टोटल इनकम है ना वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एक उसका जो सैलरी है पर मंथ का वो तो है ही, प्लस प्लस क्या है, प्लस कमीशन ऑन, कमीशन एट 8% ऑन द सेल्स ओवर 50,000, यानी कि प्लस उसको क्या मिलता है, प्लस वो कमीशन, प्लस उसके पास एक कमीशन सोर्स भी है, ओके। तो यानी कि यहाँ पे वो कमीशन भी, कमीशन के थ्रू भी कमाती है, और ये जो कमीशन है वो किसके ऊपर लगता है, दैट इज 8% ऑन द सेल्स ओवर 50,000, यानी कि 50,000 के ऊपर जितने भी सेलिंग करेगी वो, उसको उसका 8% मिलेगा। 50,000 के नीचे वो सैलरी, मतलब 50,000 के नीचे अगर वो सेल्स करवाएगी तो उसको कुछ नहीं मिलेगा कमीशन में, लेकिन आप 50,000 से ऊपर जितना भी हो रहा है, बन रहा है, उसका उसको 8% मिलेगा। तो कमीशन ऑन सेल्स ओवर 50,000, ओवर ₹50,000, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको दिया है कि एक महीना है, इफ शी गेट्स 17,400 इन अ सर्टन मंथ, मतलब एक महीना था, एक कोई मंथ था, उसमें उसका टोटल इनकम जो बना ना वो कितना बना, दैट इज इक्वल टू 17,400, ठीक है। तो
तो हमको क्या फाइंड करना है कि फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ, मतलब उस महीने उसने कितनी सेलिंग करवाई थी वो फाइंड करना है। तो देखो हमको पता है कि टोटल इनकम आपके पास है उस महीने का, सैलरी तो उसकी फिक्स होती है वो कितनी है, दैट इज रुपीज 15,000, वो फिक्स है। तो हमको क्या फाइंड करना है, प्लस यहाँ पे सेल्स ओवर 50,000 जो है वो कितना हुआ, उसके ऊपर कमीशन कितना उसने कमाया, तो वो देखना पड़ेगा। इनको हम एक एक साथ लेके आएंगे और हम पता कर लेंगे कि उसने कितना सेलिंग करवाया है उस महीने का। तो यहाँ पे भी सेल्स फाइंड करना है, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। तो हम लोग वही फिर से लेट लेंगे, लेट द सेल्स मेड बाय प्रिया इन दैट मंथ बी रुपीज एक्स, उसने टोटल सेलिंग जो करवाई है वो कितनी करवाई है, रुपीज एक्स की। तो देयरफॉर सेल्स ओवर 50, देखो ये हमारे पास है ये भी है, हमको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है, तो इसको निकालने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि सेल्स ओवर 50,000 कितना हुआ है। तो टोटल सेल्स उसने करवाया है रुपीज एक्स का, तो सेल्स ओवर 50,000 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स में से हम क्या करेंगे 50,000 माइनस कर देंगे। तो एक्स में से टोटल सेल्स में से 50,000 माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ है वो है सेल्स ओवर 50,000। अब इसका इसको कितना मिलता है 8%, तो वही हम लोग निकालेंगे। तो कमीशन ऑन सेल्स ओवर 50,000 इज व्हाट 8% ऑफ दिस सेल्स ओवर 50,000। तो चलो निकालते हैं, जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। तो 8% मतलब क्या, 8% मतलब 8/100 एंड ब्रैकेट के अंदर आएगा x माइनस 50,000, ठीक है। तो ये हो गया और ये रुपीज में होगा, तो इधर रुपीज में लिख दो। तो देयरफॉर अभी, और अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे देयर, अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिया गेट्स रुपीज 17,400 इन अ मंथ, यानी कि उसका टोटल इनकम जो है वो ये है। सो देयरफॉर अभी आते हैं हम लोग फटाफट, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा, देखो टोटल इनकम जो उसका है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सैलरी जो उसकी फिक्स सैलरी है प्लस उसका कमीशन ऑन सेल्स ओवर 50,000। अगर और स्पेसिफिकली लिखना है तो पूरा लिख देना। तो टोटल इनकम हुआ है उसका 17,400 एंड सैलरी जो उसका फिक्स है वो है 15,000, ठीक है। प्लस उसको कमीशन कितना मिला, दैट इज 8/100 यानी कि 8% ऑफ x माइनस 50,000। बस अभी इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, पता चल जाएगा कि वो टोटल सेल्स उसने कितना करवाया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर बाजू में कर दो, तो ये 17,400 है, तो 17,400 में से आप ये उधर माइनस में चला जाएगा, तो 15,000 माइनस करोगे, तो दैट इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 8/100 और यहाँ पे x माइनस 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240, नहीं एक मिनट, यहाँ पे 17,400 है उसमें से हम 15,000 माइनस कर देंगे ना, हाँ बरोबर 2,400, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,400। अब देखो ये 8/100 जो है ना वो इधर जाएगा, तो नीचे जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100 ऊपर आ जाएगा और जो 8 है वो नीचे आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू x माइनस 50,000। तो 2 1s 2 3s, ये हो गए हमारे 2 0, तो मिला के 1 2 3 4 4 0 है, कट नहीं कर रही हूँ बस काउंट कर रही हूँ, 4 0 हो गए और यहाँ पे 3 1s 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x माइनस 50,000। अब माइनस 50,000 है उधर गया तो प्लस में, तो 30,000 और 50,000 बना देगा हमारा 80,000, तो यानी कि आंसर हो जाएगा 80,000। मतलब कि उस महीने उसने कितने की टोटल सेलिंग कराई थी प्रिया ने, तो टोटल सेल्स मेड बाय प्रिया इन दैट मंथ इज रुपीज 80,000 की उसने टोटल सेलिंग कराई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, आई होप आपको अच्छे से समझा होगा और आपको ये भी समझा होगा कि इनकम में और सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चलो अभी करते हैं सिक्स्थ वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं सिक्स्थ वन, क्या दिया देखो, द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन अनचेंज दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4% to 5%, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे देखो क्या दिया, अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है। यहाँ पे क्या दिया है कि एक ब्रोकर है, ब्रोकर आपको पता ही होगा, ब्रोकर वो एजेंट होता है जो बायर एंड सेलर दोनों से अपना कमीशन चार्ज करता है और उस कमीशन को हम लोग ब्रोकरेज बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, ब्रोकर जो है ना उसका जो इनकम है ना वो क्या है, अनचेंज है, यानी कि उसका जो इनकम है वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो रेट ऑफ कमीशन है ना वो इंक्रीज हो गया 4% से 5%, लेकिन फिर भी उसका इनकम जो है ना वो क्या है, सेम है। तो हमको क्या फाइंड करना है कि उसका जो बिजनेस है उसमें कितना रिडक्शन आया, उसका परसेंटेज हमको फाइंड करना है। तो मैं आपको अच्छे से आराम से समझाती हूँ। देखो यहाँ पे ना जो रेट ऑफ कमीशन है ना, वो ब्रोकर जो है, वो जो दलाल है, उसका जो रेट ऑफ कमीशन है, मतलब जिस हिसाब से वो चार्ज करता है,
वो है ना उसका इंक्रीज हो गया है 4% से वो 5% हो गया, लेकिन फिर भी उसकी जो इनकम है ना उस हिसाब से देखा जाए तो उसकी इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए थी, क्योंकि उसका रेट इंक्रीज हो गया है, वो चार्ज ज्यादा कर रहा है, पहले से ज्यादा चार्ज कर रहा है, 4% से 5% चार्ज कर रहा है अभी, ठीक है, लेकिन उसका जो इनकम है ना इनकम भी इंक्रीज होना चाहिए था, बट इनकम इंक्रीज नहीं हुआ है और ना इनकम कम हुआ है, उसका जो इनकम है ना वो सेम है, अनचेंज मतलब कि वो इनकम सेम ही है, पहले जितना इनकम आता था उतना ही इनकम आया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके बिजनेस में कुछ गिरावट आई है, ठीक है, उसका बिजनेस जो है उसमें कुछ रिडक्शन आया है। अब हमको वही फाइंड करना है कि उसके बिजनेस में कितना परसेंटेज ऑफ रिडक्शन आया, परसेंटेज में हमको फाइंड करना है कि उसके बिजनेस में कितनी गिरावट आई है, 5% की गिरावट आई है, 10% की गिरावट आई है, 20% की गिरावट आई है, कितनी गिरावट आई है, तो अब वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो समझते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक वैल्यू ले लेते कि लेट ले लेते कि जो लेट उसका जो इनिशियल वैल्यू था बिजनेस का, लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी ₹100, ठीक है, ₹100 रहेगा ना तो हम लोग को कंपेयर करने में ज्यादा अच्छा रहेगा, तो लेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी ₹100, सो देयरफॉर उसका इनकम जो होगा इनकम एट द रेट ऑफ 4%, क्योंकि पहले उसका रेट कितना चार्ज करता था वो 4%, तो इनकम एट 4% जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 4% ऑफ 100, तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ₹4, ठीक है। तो अगर उसके बिजनेस का वैल्यू ₹100 है और वो रेट जो है वो चार्ज कर रहा है वो 4% से चार्ज कर रहा है, तो उसका इनकम हो जाएगा ₹4। अभी हम लोग ले लेते लेट द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी, लेट द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी ₹X, ठीक है। अभी जो नया वैल्यू है बिजनेस का वो हम लोग ले लेते हैं ₹X, तो देयरफॉर उसकी इनकम क्या हो जाएगी, तो अभी वो कितना चार्ज कर रहा है, उसने अपना जो परसेंटेज है रेट का वो इंक्रीज कर दिया, राइट, तो फिर यहां पे न्यू वैल्यू के लिए न्यू रेट ऑफ कमीशन लगेगा, तो देयरफॉर इनकम एट 5% क्या हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 5% ऑफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5/100x रुपीज, ठीक है, ये भी रुपीज में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, एक मिनट हाँ, तो दैट इज इक्वल टू रुपीज, आपको डिवाइड करना है तो करो, ऐसा ना नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला था कि उसका जो इनकम है ना वो सेम है, मतलब ये था ये और ये इनकम कोई अलग इनकम नहीं है, दे आर सेम। अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इनकम रिमेन, इनकम ऐसे लिखेंगे इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज, मतलब इनकम तो बदला ही नहीं, इनकम तो सेम है, उसका जो रेट ऑफ कमीशन है वो इंक्रीज हो गया, लेकिन उसका इनकम जो था ना वो तो सेम था, मतलब ये दोनों सेम है, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो 4 है दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये वाला इनकम दैट इज इक्वल टू 5/100x, तो इससे हमको x मिल जाएगा, x मतलब न्यू वैल्यू जो हुई बिजनेस की वो मिल जाएगी, और ये ध्यान रखना कि ये वैल्यू है ना 100 से छोटी आने वाली है, क्योंकि जो उसका बिजनेस है ना वो उसमें है ना गिरावट आई है, तो हमने है ना यहाँ पे ध्यान से समझना, हमने क्या लिया कि लेट द वैल्यू इनिशियल वैल्यू मतलब स्टार्टिंग वैल्यू जो थी बिजनेस की वो 100 थी, ₹100, तो वो कितना चार्ज कर रहा था, 4% चार्ज कर रहा था, 4% ऑफ 100 मिला हमको ₹4, ये उसका इनकम हो गया, इनिशियल इनकम हुआ, ये इनकम है, ध्यान रखना ये इनकम है, ठीक है, और यही दोनों इनकम जो है वो अनचेंज थे। अब फिर हमने क्या लिया, न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस भी ₹X, तो इस न्यू वैल्यू का वो कितना चार्ज करेगा, 5% चार्ज करेगा, क्योंकि उसका रेट इंक्रीज हो गया था ना 4 से 5 हो गया था, तो 5% ऑफ एक्स क्या, तो ये मिला। अब ये दोनों इनकम तो अनचेंज है, तो हमने लिख दिया इनकम ऑफ ब्रोकर इज अनचेंज, तो दैट इज इक्वल टू 4 = 5/100x, अभी एक्स निकालना है तो एक्स को इधर ही रखो और ये जो है वो उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 400 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 5 1 5 2 10 एंड 0, तो 4 × 20 क्या हो जाएगा, 4 × 20 हो जाएगा 80, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 80 इज इक्वल टू एक्स, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू आ गया हमको ₹80, एंड एक्चुअली में ये एक्स क्या था, ये एक्स था उसका न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस, जो कि हो गया 80 आंसर आया। अगर 80 आंसर आया मतलब कि पहले उसका बिजनेस 100 का होता था, अभी वो गिर के कितना बन गया, 80 का बन गया, तो कितना रिडक्शन आया आप बताओ, ₹20 का रिडक्शन आया, और इसको परसेंटेज की भाषा में अगर बोले तो 20% से रिड्यूस हो गया है ना, ₹100 था इनिशियल, उसके बाद वो 80 रुपए हो गए उसके नए बिजनेस के, तो मतलब कि गिरावट कितनी आई है, गिरावट आई है 20% की, ठीक है, तो ये 100 इसलिए लिया ना ताकि इजी हो जाता है, तो ये इजी कर देता है हमारे कैलकुलेशन को, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिडक्शन इन द
वैल्यू ऑफ द बिजनेस, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस. तो इसका जो बिजनेस है उसमें कितनी रिडक्शन हुई, तो देखो पहले था 100, उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, न्यू वैल्यू दैट इज 80, तो कितना रिडक्शन हुआ, 20 रुपीज का रिडक्शन हुआ. बट हमको रुपीज में नहीं चाहिए आंसर, हमको परसेंटेज में चाहिए. तो परसेंटेज को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इनिशियल जो था वो 10 था, ठीक है, और अभी जो नया हुआ उसका बिजनेस वो हो गया रुपीज 80. तो आप रिडक्शन देख लो, रिडक्शन कितना हुआ है, 20% से वैल्यू रिडक्ट हो गई है. तो अगर परसेंटेज में अगर आपको किसी को फाइन करना है ना, तो परसेंटेज वाला जो कैलकुलेशन है ना वो भी इजी है. तो अभी हम लोग ऐसे लिखेंगे, देयरफोर यहाँ पे देखो परसेंटेज में निकालेंगे, देयरफोर परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू, is equal to, that is equal to कितने कितने रुपीज से वैल्यू ऑफ बिजनेस रिड्यूस हुआ है, तो दैट इज 20, तो ऊपर 20 आएगा, अपॉन इनिशियल वैल्यू कितना था, दैट इज 100, और इनटू क्या करना है आपको, 100 करना है. ये फॉर्मूला होता है कि अगर आपको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है किसी की भी, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर कौन आएगा, ऊपर आएगा कि हाउ कितने रुपीज से आपका जो बिजनेस है वो रिड्यूस हुआ है, तो 20 रुपीज से वो रिड्यूस हुआ है, तो इसलिए ऊपर 20 आया. अपॉन आप कंपेयर किससे कर रहे हो, आप इनिशियल से कंपेयर कर रहे हो बराबर 100 से, तो नीचे 100 आएगा, एंड इनटू 100, तो ये 100 ये 100 कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया 20 परसेंटेज, ये आंसर हो गया. ठीक है, समझ में आ गया, तो दिस इज द आंसर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा. क्या दिया देखो, मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस अ कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम. If on the sales of ₹68,000 and ₹73,000 in two successive week, he received in all ₹9,880 and ₹10,180, find his weekly salary and the rate of commission paid by him. तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, जो हमारे हमारे मिस्टर पवन है, उनका भी सेम ऐसा हाल है. क्या हाल है कि उनका जो टोटल इनकम जो है, टोटल मैंने बताया ना इनकम और सैलरी में डिफरेंस, तो वही होगा. उनका जो इनकम है ना वो कैसे होता है, एक उनका फिक्स वीकली, और यहाँ पे वीकली सैलरी है, हमेशा हम मंथली बोलते हैं बट यहाँ पे वीकली है, ठीक है. तो टोटल इनकम जो हो रहा है उनका वीकली, वो कितना हो रहा है, वो किससे होता है, दैट इज एक उनका क्या है, एक उनका फिक्स, इनका फिक्स वीकली सैलरी है, वो फिक्स रहेगा हमेशा, चाहे तुम कुछ करो, सेल्स करवाओ मत करवाओ, ये तो फिक्स रहेगा. प्लस क्या होगा कि वो क्या करेंगे, कमीशन, प्लस उनका क्या होगा, कमीशन. और वो कमीशन उसको किसके ऊपर मिलेगा, मतलब कमीशन क्या है, देखो कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम, मतलब वो कितना कमीशन, कितना सेल्स करवाते हैं उसके ऊपर उनको कमीशन मिलेगा, ठीक है. अब वही हमको फाइन करना है, हमको क्या फाइन करना है, यहाँ पे देखो लास्ट में देखो, हमको यही फाइन करना है. क्या फाइन करना है, कि उनका वीकली फिक्स्ड वीकली सैलरी क्या है वो फाइन करना है, एंड हमको ये भी फाइन करना है कि उनका रेट ऑफ कमीशन उनको कितना दिया जाता है, मतलब कितना उनका रेट है कमीशन का, वो हमको फाइन करना है. और हमेशा याद रखना रेट परसेंटेज में होता है, मतलब वो टोटल जितना भी सेल करवाते हैं ना उसका वो इतना परसेंट लेंगे टोटल सेल का, टोटल सेल का. तो यानी कि हमको दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो उनका फिक्स वीकली इनकम जो हम लोग लेने वाले हैं रुपीस एक्स, ठीक है, और उनका जो रेट ऑफ कमीशन है वो कितना रेट चार्ज करते हैं वो हम लोग ले लेते हैं वाई परसेंट, क्योंकि वो परसेंटेज में होगा तो वाई परसेंट. तो पहले हमने ये लिख दिया, ठीक है. तो लेट मिस्टर पवन वीकली सैलरी भी रुपीज एक्स, ये रुपीज में होगा, एंड उनका जो रेट ऑफ कमीशन है वो परसेंटेज में होगा वाई, ठीक है, समझ में आ गया. अभी है ना यहाँ पे जो डेटा दिया है ना वो टू सक्सेसिव वीक का दिया है, मतलब कि टू सक्सेसिव, तो आपको पता ही होगा सक्सेसिव मतलब कंटिन्यू, ठीक है, दो वीक का हमारे पास डेटा है. तो हम यहाँ पे ना उसको अलग अलग कर देंगे, मैंने ना बाजू बाजू में लिख के रखा है ताकि कंपेयर कर सको, बट आप एक के नीचे एक लिखना, ठीक है. तो हम लोग आते हैं फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक की बात करते हैं. तो यहाँ पे देखो, इफ ऑन द सेल्स ऑफ रुपीज 68,000 एंड 73,000 इन टू सक्सेसिव वीक, ही रिसीव इन ऑल रुपीज 9,880 एंड 10,180. अब ये है क्या देखो, तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो हमारे ये दो वीक थे उसमें जो टोटल सेल करवाया है मिस्टर पवन ने वो कितना कराया है, फर्स्ट वीक में जो टोटल सेल जो हुआ है वो कितना हुआ है 68,000 का, और जो सेकेंड वीक है उसमें जो टोटल सेल हुआ है वो कितना हुआ है 73,000 का. और उनको टोटल इन टोटल कितना रिसीव हुआ है, रिसीव मतलब ये उनकी टोटल इनकम है, ये उनकी इनकम है, ठीक है, ये इनकम जो है ना वो दी हुई है दोनों वीक की. तो टोटल इनकम जो है फर्स्ट वीक की वो है 9,880 एंड सेकेंड वीक की जो उनकी इनकम है दैट इज 10,180,
ठीक है, मैंने अलग कर दिया। अब हमको फाइंड करना है कि उनकी वीकली सैलरी कितनी है और रेट ऑफ कमीशन वो कितना चार्ज करते हैं या कितना मिलता है उनको वगैरह। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमको फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि जो टोटल इनकम जो होगा पवन का, दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड वीकली सैलरी। तो देखो टोटल इनकम हमारे पास है, देखो फर्स्ट वीक की अगर बात की जाए टोटल इनकम हमारे पास है, फिक्स्ड वीकली सैलरी भी हमारे पास है, दैट इज रुपीज एक्स, ये हमने एक्स लिया हुआ है। प्लस हमारे पास एक्चुअली में क्या नहीं है, कमीशन नहीं है। तो कमीशन वो कितना चार्ज करते हैं, वाई परसेंट चार्ज करते हैं, किसका, टोटल सेल का। तो हमको ये निकालना पड़ेगा, वाई परसेंट ऑफ टोटल सेल निकालेंगे वो यहां पर लिखेंगे। तो हमको यहां पे ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगा। तो यहां पे पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगा, फिर ऐसे दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगा, उसको हम लोग साइमल्टेनियसली, याद होगा आपको 10th में किया है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, ऐसा कुछ करने वाले। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, फटाफट बताती हूं आपको। सबसे पहले देखो हमको क्या निकालना है, इतना समझ में आ गया होगा, कमीशन निकालना है। बेसिकली हम लोग कमीशन निकालेंगे, तो फर्स्ट वीक का जो उसका कमीशन होगा, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, कितना है, वाई परसेंट चार्ज करता है ना, तो देयरफॉर वाई परसेंट ऑफ टोटल सेल। तो सेलिंग कितनी करवाई है उसने उस वीक में, दैट इज 68,000 की। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन 100 इंटू 68,000। ओके, तो यहाँ पे ये दो जीरो गया, दैट इज इक्वल टू कमीशन हो जाएगा 680 इंटू वाई, 680 वाई रुपीज। ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग देखो, मेरा फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला मेन ऊपर जो मैंने लिखा था, दैट इज टोटल इनकम जो होगा उसका फर्स्ट वीक का, टोटल इनकम ऑफ फर्स्ट वीक इज इक्वल टू उसका फिक्स्ड जो वीकली सैलरी है वो, जो हमने एक्स लिया है, अब मैं लिख रही नहीं हूं बट आप लिखना, प्लस उसका कमीशन। तो कमीशन उसका कितना आया है, दैट इज इक्वल टू 680 वाई। ठीक है, तो यार टोटल इनकम क्या है, टोटल इनकम हमारे पास है 9,880। तो 9,880 इज इक्वल टू ये फिक्स वीकली सैलरी प्लस क्या हो जाएगा, 680 y। तो ये पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल गया है, सो देयरफॉर ऐसे हम लोग लिखेंगे x प्लस 680 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दैट इज 9,880, इक्वेशन नंबर वन। तो ये फर्स्ट वीक का हो गया, अभी हम सेकेंड वीक का करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंड वीक में जो उसको कमीशन मिलेगा, कमीशन का रेट उसका फिक्स है, दैट इज y परसेंट। तो y परसेंट ऑफ टोटल सेल, तो इसने नेक्स्ट वीक में कितना सेलिंग करवाया, दैट इज 73,000। तो y परसेंट ऑफ 73,000 करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू, अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे, y अपॉन 100 इंटू 73,000 करोगे, तो ये दो जीरो गया, दैट इज इक्वल टू 730 y रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अभी देयरफॉर इसका जो टोटल इनकम है हमारे नेक्स्ट वीक का, वो टोटल इनकम बनेगा, दैट इज इक्वल टू फिक्स वीकली सैलरी जो एक्स रुपीज लिया है, प्लस इसका जो कमीशन है, दैट इज 730 y मिला है हमको। और टोटल सैलरी यानी कि टोटल इनकम जो बनाया है उसका सेकेंड वीक का, दैट इज इक्वल टू 10,180 इज इक्वल टू एक्स प्लस 730 y। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गया। तो एक्स प्लस 730 y इज इक्वल टू 10,180, ये इक्वेशन नंबर टू। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सब्रैक्ट करेंगे, तो सब्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ऊपर मैं टू को लिखती हूँ, तो x प्लस 730 y इज इक्वल टू 10,180 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा ये x प्लस 680 y इज इक्वल टू 9,880। तो आप करोगे सब्ट्रैक्ट, तो सबकी साइन चेंज हो गई, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 0, 0, ये 11 हो गया और ये 9 हो गया, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। ओके, तो ये 300 आ गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा y, और यहाँ पे ये 0, ये 13 हो गया और ये 6, 13 में से 8 जाएगा तो 50। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 51 हो जाएगा और 50 60 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमको मिलेगा 6 होगा ना, कैसे 6 होगा देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये एक जीरो गया, तो 5 6 30 हो गया ना, 5 6 30 हो गया, तो 5 1 5 6, तो y की वैल्यू 6% में आएगी, क्योंकि y हमारा रेट ऑफ कमीशन था। तो यानी कि कौन है, पवन है ना, आई थिंक, हाँ मिस्टर पवन जो है उनका जो रेट ऑफ कमीशन है वो है 6%। अभी आप पुट करोगे, पुट ये जो y की वैल्यू मिली है, पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर, किसी में भी पुट कर सकते हो, 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, 1 में पुट किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहले तो 1 क्या है वो लिखूंगी, x प्लस 680 y इज इक्वल टू क्या है हमारा, 9,880। ठीक है, तो x प्लस यहाँ पे 680 और यहाँ पे लिखेगी 6 इज इक्वल टू 9,880, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस ये हो गया 6 0 0, 6 8 48, 6 6 36, 36 प्लस 4 हो गया 40, एंड दैट इज इक्वल टू 9,880। तो x इज इक्वल टू इन दोनों को अभी माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्लस है, उधर माइनस में चला जाएगा, 9,880 में से हम 4,080 निकाल देंगे, 0 0 8, और ये आ गया यहाँ पे कितना आ गया,
तो यानी कि 5,800 रुपीस इज द फिक्स्ड वीकली सैलरी ऑफ मिस्टर पवन. ठीक है, समझ में आ गया. तो यहाँ पे एक मिनट में आंसर चेक कर लेती हूँ. हाँ, यस, बरोबर है. और आपको लास्ट में सेंटेंस लिखना पड़ेगा. सेंटेंस क्या लिखोगे जल्दी से बता दो मुझे, कि मिस्टर पवन वीकली सैलरी इज रुपीज लिखना बहुत कंपलसरी है. 5,800 एंड इसका जो रेट ऑफ कमीशन वो चार्ज करता है दैट इज 6% ऑफ द टोटल सेल्स. ठीक है, समझ में आ गया. आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा. ठीक है, आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं. आई होप आपको सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं. तो यहाँ पे देखो एथ वन क्या दिया है हमको. दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4,000 to 5,000. ठीक है, उसकी सैलरी जो है ना वो इंक्रीज हुई है. तो कितने से इंक्रीज हो गई है? 4,000 थी यार, उसकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो गई. वाओ माय गॉड, 5,000 हो गई है. द सेल्स बीन द सेम, सेल्स जो वो करवाता है वो सेम ही करवाता है. ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% to 2% हिज इनकम रिमेन अनचेंज, फाइंड हिज सेल. अब देखो, ये क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा था पहली टाइम तो मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि इधर देखो दो टर्म यूज हुए हैं, इनकम एंड सैलरी. और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा वरना, अगर आपको इनकम और सैलरी के बीच का डिफरेंस नहीं पता होगा. तो देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि इनकम जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू व्हाट सैलरी जो फिक्स होता है प्लस क्या होगा कमीशन. ठीक है, तो अब देखना, ध्यान से देखना. अब यहाँ पे ये मंथली है वीकली है कुछ पता नहीं है, बट हाँ आपको यहाँ पे दो केसेस हैं. देखो यहाँ पे ना दो केसेस लेना है. मान लो हम मंथली लेते कि एक मंथ ले लेते, तो एक मंथ था उसमें उसकी सैलरी कितनी थी? 4,000 थी. ठीक है, और उसका जो कमीशन था वो कितना था? 3% वो चार्ज करता था, 3% ऑफ द जो भी सेल्स करता है उसका वो चार्ज करता है. ठीक है, तो यानी कि एक फर्स्ट मंथ लेते, फर्स्ट मंथ में उसकी सैलरी थी हमारे पास कितनी? रुपीज 4,000, वो फिक्स रहती है. एंड कमीशन वो कितना लेता था? दैट इज 3% ऑफ टोटल सेल ही हमको फाइंड करना है, वो एक्स. ठीक है, दैट इज प्लस करेंगे दोनों को तो उसका इनकम मिलेगा उस महीने का. फिर आते हैं सेकेंड मंथ की बात करते हैं. तो सेकेंड मंथ का भी सेम हाल है, उसका जो ये इनकम होगा, इनकम का फॉर्मूला होता है इनकम इज इक्वल टू सैलरी. तो उसकी सैलरी है ना इंक्रीज हुई. वाओ, सैलरी इंक्रीज हुई है उसकी, जो फिक्स सैलरी होती है ना वो इंक्रीज हुई है. ठीक है, लेकिन उसका कमीशन है ना वो डाउन हो गया है, उसका जो रेट ऑफ कमीशन है वो डाउन हो गया. तो अब वो कितना चार्ज करता है? 2% ऑफ टोटल सेल एक्स मान लो. ठीक है, तो ये हो गया उसका सेकेंड मंथ का. दोनों को ऐड करोगे तो उसका सेकेंड मंथ का इनकम ये रहेगा. और यही बोला कि दोनों का जो इनकम है ना वो अनचेंज है. देखो, इनकम अनचेंज क्यों है? क्योंकि नंबर वन, उसके सैलरी में तो बढ़ोतरी आई है, सैलरी जो है ना वो इंक्रीज हुई है, वो अप हो गई है, 4,000 से 5,000 हो गई है. बट क्योंकि उसका जो रेट ऑफ कमीशन है ना और उसके सेल्स सेम है, सेल्स दोनों के सेम है, कि मतलब उस महीने उसने जितना सेलिंग कराया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स बीन द सेम, सेल्स उसका सेम है, वो जिस उसने फर्स्ट मंथ में जो सेल करवाया था वही सेम सेल उसने सेकेंड मंथ में भी करवाया है. ठीक है, तो बट उसका जो रेट ऑफ कमीशन है ना वो उसमें गिरो मतलब रिडक्शन आ गया है, 3% से 2% हो गया है. तो इसलिए उसका जो इनकम है ना उसमें फर्क नहीं नजर आया, इनकम बैलेंस हो गया. तो वही हमको दिया है. और अभी हमको क्या फाइंड करना है कि उसने टोटल सेल्स कितना करवाया था ये दो महीने. मैंने मंथ का एग्जांपल लिया है, वैसे तो दिया नहीं है कि ये इसकी वीकली सैलरी है कि मंथली सैलरी की बात हो रही है, वो कुछ बोला नहीं है, बट हमने कुछ ऐसा सिनेरियो कंसिडर किया है. ठीक है, तो अभी जिसको नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, हम फिर से समझते हैं. तो यहाँ पे देखो, उसकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो गई है 4,000 से 5,000. ठीक है, ये सैलरी की बात हो रही है, लेकिन उसका जो रेट ऑफ कमीशन है वो ये तो बढ़ गया है, बट रेट ऑफ कमीशन कम हो गया है, 3% से 2% हो गया है. और हमको यहाँ पे दिया है कि दोनों का जो इनकम है, इनकम उसका सेम रहा, इनकम सेम है, और इसने जो सेल्स करवाया है वो भी सेम है, सेल्स जो है ना सेल्स बीन द सेम. तो हमको क्या फाइंड करना है कि उसने कितना टोटल सेल करवाया है वो फाइंड करना है. तो टोटल सेल्स जो है वो सेम है दोनों महीनों का, तो वो हमको फाइंड करना है. तो लेट ले लेते हैं हम लोग, लेट दीपक्स, क्योंकि दीपक नाम है ना, तो लेट दीपक्स सेल्स या टोटल सेल्स भी लिखते हो बी रुपीज एक्स. ठीक है, तो अभी हम लोग पहले हम लोग यहाँ पे दो मंथ वाला डेटा दिया है, बट मंथ बोला नहीं ना, वीक बोला, तो हम लोग को भी क्या करना है, छोड़ो. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग फाइन करेंगे कमीशन
कमीशन ऑन 3%, 3% के ऊपर कितना कमीशन मिलेगा, दैट इज 3% ऑफ टोटल सेल. टोटल सेल क्या है हमारे पास, एक्स, तो दैट इज 3/100 एक्स रुपीस, ये हो गया कमीशन. ठीक है, हमारे पास क्या है, सैलरी है. सैलरी क्या है, सैलरी जो है वो फर्स्ट मंथ की, मंथ बोल रही हूं मैं ताकि आपको समझे, तो फर्स्ट मंथ की जो सैलरी है वो 4000 है, कमीशन जो है वो इतना है, सो देयरफॉर उसका जो इनकम हो जाएगा उस मंथ में, तो इनकम क्या हो जाएगा, इनकम का फॉर्मूला होता है सैलरी प्लस कमीशन, सैलरी प्लस कमीशन. ठीक है, तो सैलरी हमारे पास है, सैलरी है हमारे पास 4000, कमीशन है हमारे पास 3/100 एक्स. ठीक है, तो ये हो गया, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर वन. ये तो फर्स्ट मंथ का मान लो ये इनकम है. अब हम लोग सेकेंड मंथ में चलते, तो सेकेंड मंथ में पहले हम लोग फाइंड करेंगे कमीशन. तो कमीशन ऑन, कमीशन जो है ना उसका रेट रिड्यूस हो गया है, तो कमीशन ऑन 2% उसको कितना मिलेगा, तो 2% ऑफ टोटल सेल्स जो करवाएगा, और सेलिंग दोनों महीने की सेम है, तो एक्स, तो 2% ऑफ एक्स मतलब 2/100 एक्स रुपीस. ठीक है, और इस महीने जो उसकी सैलरी है वो बढ़ गई थी, 4000 से कितनी हो गई थी, 5000 हो गई थी, तो ये 5000 आ जाएगा. सो देयरफॉर इस महीने का जो उसका इनकम बना, इनकम का फॉर्मूला होगा, ये लिख देना फिर से, मैं नहीं लिख रही हूँ, 5000 सैलरी प्लस ये हो जाएगा 2/100 एक्स. ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू. अब हम लोग क्या बोलेंगे कि देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनकम्स, इनकम रिमेन, दीपक का जो इनकम है, इनकम रिमेन्स अनचेंज, अरे इनकम तो चेंज ही नहीं हुआ, उसका सेम ही था. ठीक है, तो इनकम रिमेन अनचेंज मतलब ये वाला इनकम और ये वाला इनकम, ये दोनों कोई अलग थोड़ी ना है भाई, ये तो दोनों सेम ही है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, इनको बैलेंस कर देंगे, इक्वल बता देंगे, और वहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे एक इक्वेशन बना के. ठीक है, हो गया, बस ऐसा ही करना था. तो यहाँ पे लिखेंगे 4000 प्लस, यहाँ पे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 लिख देना, तो 4000 प्लस 3/100 एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये That is 5000 plus 2/100 x. ठीक है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको क्या करना है, xx वाले टर्म अलग और नंबर नंबर वाले टर्म अलग, इसको इधर लाओ. ठीक है, तो ये 5000 जो है इसके साथ हमारा 4000 बैलेंस करेगा, मतलब साथ में सूट करेगी, और ये xx वाले टर्म एक तरफ कर दो, तो यहाँ पे हुआ 3/100 x, ये प्लस में है इधर आ गया, तो माइनस में 2/100 x. अब दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे आ गया 100 अपॉन में, ये 3x माइनस 2x बचेगा ऊपर, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000. ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपल है, 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा, तो x बचा इज इक्वल टू ये डिवाइड में है उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो 1000 इंटू 100, तो यानी कि 100000 आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है ना, 1 2 3 4 5, 5 0 होते हैं मतलब वो 100000 होता है, 1 2 3 4 5, तो उसने सेल्स कितना करवाया है, 100000 का सेल्स करवाया है. मैं चेक कर लेती हूँ, चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना रॉन्ग आंसर्स ना चला जाए के बस, है ना. हाँ, तो दीपक ने टोटल सेल करवाया है 100000 का. ठीक है, 100000 का उसने टोटल सेल करवाया है. और तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझा होगा. तो हमने आज बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए हैं बच्चा पार्टी, आई होप आपको समझ में आ रहा है पूरा वीडियो. इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लेंगे. ठीक है, ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि हमको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है. अगर कभी वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, 1 घंटे का हो जाता है ना, तो प्लीज़ उसको देखो, क्योंकि अगर मैं छोटे छोटे वीडियोज डालूंगी ना 30-30 मिनट के, तो उसमें क्या होगा, 1 से 2 मतलब 2-3 सम सॉल्व हो पाएंगे, तो वो नहीं करना है. फटाफट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस लेना है हमको. ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा. फटाफट आप लोग अपने 12th का जो भी आपका कॉमर्स का ग्रुप बना हुआ है, एंड आप तो कॉलेज वाले बच्चे हो यार, आपके पास तो मोबाइल होता ही है, तो प्लीज आप लोग ये ग्रुप में ये वीडियो को जरूर शेयर करना. ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, और मैंने व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे ज्वाइन कर लो फटाफट. ठीक है, चलो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर.